दशैनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम देवशैनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का फल उत्तम है, किसी महायज्ञ के सम है। इस व्रत का फल उत्तम है, किसी महायज्ञ के सम है। भक्तजनों, आज हम आपको आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, उसकी कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, इस एकादशी का एक नाम पद्मा एकादशी भी है, एवं इसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। और आज से ही चातुर्मास का आरंभ हो जाता है और श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तथा देव उठावनी एकादशी को ही योग निद्रा से बाहर आते हैं। इन 4 मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह इत्यादि नहीं किए जाते। तो आइए भक्तों, सुनते हैं देवशयनी एकादशी की यह परम कल्याणकारी कथा। आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष है, भक्तों चल रहा था। युधिष्ठिर सुनना चाहते थे तब एकादशी कथा। कथा सुनने वो श्री कृष्ण के पास ही आते हैं, धर्म का मार्ग पांडवों को वही दिखाते हैं। श्री कृष्ण के पास में आ युधिष्ठिर लगे पूछने, एक प्रश्न है श्री कृष्ण आज आया मेरे मन में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, क्या कहते हैं उसकी कथा भी मुझको सुननी है। श्री कृष्ण ही युधिष्ठिर को फिर कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। व्रत का फल उत्तम है, किसी महायज्ञ के सम है। इस व्रत का फल उत्तम है, किसी महायज्ञ के सम है। भक्तजनों, जैसा कि आपको ज्ञात है, सदैव पांडवों का मार्गदर्शन श्री कृष्ण ही करते थे और उन्होंने पांडवों को अनेकों ही ज्ञानवर्धक कथाएं भी सुनाई थी। जब आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था, तब भी युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास आकर उनसे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की विनती करते हैं। तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, हे धर्मराज, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस दिन से श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। मैं आपको इसकी कथा अवश्य सुनाऊंगा। बड़ा ही उत्तम है युधिष्ठिर, प्रश्न आपका है। देवशयनी और पद्मा नाम इस एकादशी का है। मुनि नारद ने ब्रह्मा जी से प्रश्न यही पूछा था। ब्रह्मा जी ने मुनि नारद को सुनाई यही कथा। उसी कथा को आपके सामने मैं दोहराऊंगा। देवशयनी एकादशी का महात्म्य बताऊंगा। इसका व्रत कर
उचित फल देते भक्त जैसा भी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का फल उत्तम है, किसी महायज्ञ के सम है। इस व्रत का फल उत्तम है, किसी महायज्ञ के सम है। प्रिय भक्तजनों, युधिष्ठिर की विनती पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को आप सुनना चाहते हैं, सर्वप्रथम मुनि नारद को यही कथा ब्रह्मा जी ने सुनाई थी। जब मुनि नारद ने ब्रह्मा जी से देवशयनी एकादशी की कथा सुनने का विनय किया, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कथा सुनाई। वही कथा मैं दोहराता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। सम्राट जिनके राज में प्रजा के थे सारे ही ठाट और बाट, क्योंकि राजा मानधाता बड़े धर्म परायण थे, उनके राज में बड़े सुखी रहते चारों वर्ण थे। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों का भी करते थे आदर, कोई निराश न लौटा था कभी उनकी सभा में आकर। अन्न और धन की कमी नहीं रहती थी किसी घर में, चहुर से सुखी प्राणी थे मानधाता के नगर में। हंसी खुशी से अपना जीवन सभी बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का फल उत्तम है, किसी महायज्ञ के सम है। इस व्रत का फल उत्तम है, किसी महायज्ञ के सम है। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कथा सुनाते हुए कहा कि राजा मानधाता की नगरी में उसकी प्रजा चहुओर से प्रसन्न थी। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण चारों वर्ण अपना अपना काम ईमानदारी से करते थे, और वही राजा मानधाता भी बड़े ही धर्म परायण थे। अनेकों उत्सवों पर यज्ञ हवन जैसे पुण्य कार्य होते थे, और राजा मानधाता खूब दान धर्म करते थे। किंतु युधिष्ठिर समय का किसी को पता नहीं, एक बार 3 वर्षों तक उनके राज्य में बरसात नहीं होने के कारण घोर अकाल पड़ गया। तीन वर्षों तक क्योंकि राज्य में वर्षा नहीं हुई, बंजर हो गई धरती, अन्न की होने लगी कमी। अन्न न उत्पन्न हुआ त्राही, दुखी हो गए प्रजा के वासी, जहाँ थी खुशियाँ छाई। राजकोष से सहायता राजा मानधाता ने की, धन तो मिल गया पर खाने को मिलता अन्न नहीं। अन्न बिना तो जीवन किसी का संभव ही नहीं है, ना जाने क्यों के राजा मानधाता चिंतित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
भक्तजनों, श्री कृष्ण आगे कहते हैं, 3 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण नगर में घोर अकाल पड़ गया। राजा मानधाता ने राजकोष के द्वार भी खोल दिए, किंतु अकाल तो चारों ही ओर पड़ा था, अतः धन देकर भी कहीं अन्न मिलना संभव ही नहीं था। ये सोचकर राजा मानधाता बड़े ही चिंतित हुए और एक दिन वह जंगल की ओर चल पड़े। शिवर पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का फल उत्तम है, किसी महायज्ञ के सम है। इस व्रत का फल उत्तम है, किसी महायज्ञ के सम है। जनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि ऋषि अंगिरा के आश्रम में आकर राजा मानधाता ने उन्हें सादर प्रणाम किया। कुशल क्षेम पूछने के बाद ऋषि अंगिरा राजा मानधाता से कहने लगे, हे राजन, आप बड़े ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं, इस चिंता का क्या कारण है? तो राजा मानधाता ने बताया कि उनके राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप घोर अकाल पड़ गया है। राजा मानधाता कहने लगे, हे मुनिवर, मैं बड़ी ही निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ और मैंने इस जन्म में कोई पाप भी नहीं किया, फिर भी न जाने क्यों मेरी प्रजा को दुख देखना पड़ रहा है। अपनी प्रजा का हाल न उनसे देखा जाता है, चिंतित इसलिए बड़े हुए राजा मानधाता है। अंगिरा ऋषि से बोले, आप कोई ऐसा करो उपाय जिससे मेरी नगरी पे आई विपदा ये टल जाए। आशा लेकर मैं तो आपके आश्रम आया हूँ, जो भी आप उपाय बताए जाकर वो कर लूँ। ऋषि ऋषि अंगिरा फिर ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का फल उत्तम है, किसी महायज्ञ के सम है। इस व्रत का फल उत्तम है, किसी महायज्ञ के सम है। जनों, श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, ऋषि अंगिरा ने जो ही ध्यान लगाया उन्होंने जान लिया और राजा मानधाता से कहने लगे, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है, इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह शूद्र काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपके राज्य में यूं ही अकाल पड़ा रहेगा। राजा मानधाता कहने लगे, ऋषिवर, उस शूद्र को तपस्या करने से मैं रोक नहीं सकता और ना ही उसका वध करने का आदेश दे सकता हूँ।
कृपया करके आप कोई दूसरा उपाय बताएं। पावन कथा सुनाते हैं, पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का फल उत्तम है, किसी महायज्ञ के सम है। इस व्रत का फल उत्तम है, किसी महायज्ञ के सम है। भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, राजा मांधाता स्वयं ही बड़े धर्मात्मा थे। वो भला किसी को तपस्या करने से कैसे रोक सकते थे और ना ही उसका वध करवा सकते थे। तो उन्होंने ऋषि अंगिरा से कहा, हे महात्मन, मुझे कोई दूसरी युक्ति बताएं जिससे प्रजा का भी भला हो जाए और मुझे किसी को तपस्या से हटाने का दोष भी न लगे। राजा मांधाता का दयावान चरित्र देखकर ऋषि अंगिरा बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें दूसरा उपाय बताया। देव शेनी एकादशी व्रत तुम्हें राजन करना है, विधि विधान से करके व्रत हर की कृपा पाना है। राज पे आया जो संकट वो भी टल जाए, तुम्हें न लग अब पाएगा। ऋषि अंगिरा ने राजा मांधाता से जैसा कहा, विधि विधान से देवशेनी एकादशी व्रत किया। श्री हरि विष्णु का उन पर बड़ा हो गया है उपकार, राज्य में अगले दिन वर्षा होने लगी मूसलाधार। नगर के वासी सारे ही फिर खुशी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का फल उत्तम है, किसी महायज्ञ के सम है। इस व्रत का फल उत्तम है, किसी महायज्ञ के सम है। भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कथा को संपन्न करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, ऋषि अंगिरा के कहने से राजा मांधाता ने अपनी रानी और मंत्रियों सहित देवशयनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया और रात में श्री हरि का जागरण भी किया। तो अगले ही दिन उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे राज्य पर आया संकट टल गया और खूब खेती बाड़ी हुई। हे युधिष्ठिर, ऐसा कल्याणकारी है देवशयनी एकादशी का व्रत। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा यही है, पूजा पाठ के बाद अवश्य ही जाती सुनी पड़ी है। कथा सुनने से ही तो व्रत का पूर्ण फल मिलता है। विष्णु जी करते कृपा जो कथा को सुनता है। हंसराज रिलहन को सुनकर बड़ा आनंद आया, फौज सुरेश ने लिखा कथा को चे
सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का फल उत्तम है, किसी महायज्ञ के सम है। विष्णु जग पालन हारे, सारे सृष्टि आप सहारे, आप दया हो जिस पर करते। जब जब भक्तों ने है पुकारा, नारायण अवतार है धारा, अलग अलग रूपों में आए, जनों की लाज बचाए। मत्स्य बने कभी कूर्म बने ये, वराह बने नरसिंह बने ये, वामन परशुराम बने ये, राम बने कभी श्याम बने ये, बुद्ध बने अहिंसा सिखाई, कल के कलयुग देंगे मिटाई, अवतारों की जय जय बुलाई। श्री हरि नैया पाल लगाई, कथा श्री हरि विष्णु की कहते वेद पुराण। श्री हरि विष्णु जी के चरणों में प्रणाम। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। कमलापति दुख मोचन स्वामी, गरुड़ सवारी अंतर्यामी, परम पिता ये है जग जानी। चक्र और गदा के धारी, श्री विष्णु जग पालन हारी, माथे स्वर्ण का मुकुट है साजे, माला है कंठ में साजे। कल्प तरु श्री हरि नारायण, नैया भव से पार लगायन, पीतांबर के आप हो धारी, क्षीर के सागर आप विराजे, माँ कमला संग में है साजे, योग के निद्रा सोए रहते, सृष्टि का पालन करते। रूप चतुर्भुज आपका, भक्तन नैन अभिराम, भक्त जनों का चरणों में बारंबार प्रणाम। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। सच्चिदानंद है परमानंद, भक्त जनों के आनंद कंदा, गंगा मैया चरण पकारे, मणि है सत्य नारायण, नमो नमो श्री नमो नारायण, परम मनोहर छवि के धारी। नव निधियों के आप हो दाता, यश वैभव के आप प्रदाता, अंधन को आंखें हैं मिलती, शुद्ध चित्त जो ध्यान लगाए, द्वादश नामों को जो गाए, एक माला जो रोज फिराए, उनके दुख संकट मिट जाए। ग्राह के फंद छुड़ा दिए, दिए धन्ना को तार, वृंदा तुलसी बन गए, बनी गले का जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। मोक्ष के दायक तुम जगदीशा, परम पिता पावन जगदीशा, हर पल तुम्हारा ध्यान लगाए,
सब व्याधि को दूर भगाए, माँ तुलसी को कंठ लगाए, हर साधक के मन में विराजे। दिव्य अलौकिक ज्योति जलती, भगत करे हैं मन से भक्ति, गूंज रहे हैं जय जयकारे। अभय दान भक्तों को देते, दुख संकट सगरे हर लेते, भक्तन संता नाम तिहारा। हाथ तिहारे सौंप दी हमने जीवन डोर, अंधियारा काटो प्रभु करो जीवन में बोर। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। दीन दयाल है असुर निकंदन, नारायण हरि है जग वंदन, शेष की शैया आप विराजे। नारायण वैकुंठ के वासी, कण कण है घट घट के वासी, ऋषि मुनिन के हो रखवारे। नारायण हरि कमला सिंधु, मात पिता तुम ही दीन बंधु, सूरज चंदा और सितारे। नारद वीणा मधुर बजाए, नारायण नारायण गाए, शुभ दृष्टि जब आप फिराए। विश्व रूप संकट हरो, हम हैं आपके दास, दूर कभी करना नहीं रखो चरणन के पास। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। सूर्य करोड़ों सम है आभा, जड़ चेतन के तुम अनुरागा, योग माया के आप हो स्वामी। जय जगदीश जय भाग्य विधाता, सुख शांति के आप प्रदाता, सृष्टि चलते आप सहारे। लक्ष्मी रमण प्रभु लीला धारी, श्री नारायण जग उपकारी, सृष्टि चलती आप इशारे। माथे स्वर्ण का मुकुट निराला, गले सजे वैजंती माला, जग रक्षक प्रभु सत्य नारायण। बद्रीनाथ कर्तव्य परायण, चारों युगों में गूंज रहा नारायण हरि नाम। कमलपति है उमापति, दया के आप निधान। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। नारायण श्री ब्रह्म स्वरूप, महिमा तिहारी अमित अनूप, शेष नाग छाया है करते। विष्णु नारायण इष्ट हमारे, हम सब सेवक प्रभु तिहारे, भक्तन के हो तुम सुखदाता। मोहिनी रूप आपने धारा, शिव शंकर का प्राण उबारा, देवों ने अमृत था पाया। श्यामल रूप
आपने धारा अद्भुत अनुपम अविरल प्यारा, चरणों से हम दूर न करना। खाली झोली आप भरो ना, धन्ना जाट के घर रहे बनकर शालिग्राम। दयावंत नारायण को कोटि कोटि प्रणाम। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। परोपकारी जन कल्याणी, प्रभु महाज्ञानी, प्रभु महादानी, रंग जाए भक्ति के रंग में। नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मन से मंत्र ये गाए भव सागर से पार वो होता। राजा रंक और साधु संता, आप ही सबके हो भगवंता। धर्म के पथ से हम तो डिगे ना, क्षीर सिंधु में वास तिहारा। जिसने भी तेरा नाम पुकारा उसका नसीबा आप सवारा। नारायण सचाए सहारा, वाम अंग लक्ष्मी सजे सेवा करे दिन रात। पावन दर्शन हम करे मात पिता और तात। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। हे नारायण भगवन प्यारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे, हम सब बालक शरण तिहारे। गुरुवार लगता है प्यारा, अद्भुत सजता मंदिर न्यारा। सत्य नारायण पूजा होती, पावन जग जाती है ज्योति। हे नारायण हे विश्वेश्वर, भक्त है देवा तुम पर निर्भर। जो कुछ नजर हमें है आता, आपकी रचना है सुखदाता। आनंद के तुम हो महासागर, नारायण हरि आप उजागर। इंद्र धनुष में रंग आपके, हमको संग आपके। मंत्र जपे जो आपका लेता आपका नाम। दुखड़े उसके दूर करे भक्तों के सुख दाम। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। अंतकरण में आपका वासा, जीवन में ना रहे निराशा। चरणों से तेरे लगन लगी है, ऋषि मुनिन के आप हो प्यारे। भक्तन हित के हो रखवारे, भक्तों के हृदय में बसेरा। जीवन में भर देना सवेरा, सार जगत के आप रचैया। भव नैया के आप खेवैया, अपनी कृपा हमको भी दिखाना। अक्षत चंदन पुष्प चढ़ाऊं, तिलक करूं अर भोग लगाऊं, आरती और चालीसा गाऊं। नारायण की कृपा पाऊं, त्रिदेवों में आप हो प्रभुवर सबसे महान। भजन आपके गाऊं तो पाऊं मुक्ति धाम।
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि हो जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि ओ तेरी लीला सबसे न्यारी से न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि ओम नमः
जय जय नारायण नारायण हरि हरि हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी से न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि
जाते हैं। धरा के पाप मिटाने ये कई रूप में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जग के पालनहार, तेरे कितने हैं अवतार। हे जग के पालनहार, तेरे कितने हैं ¡Gracias!
जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। फल पावे दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे शरण गम मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। सबके प्राण पति, सब के
किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। सब कुछ प्रभु स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया। सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया। वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया। ओम नारायणाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया। सवितुर्वरेण्यं 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 वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया। ओम
सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया। ओम नारायणाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया। ओम नारायणाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया। सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया। वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया। ओम नारायणाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया। ओम नारायणाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया। ओम नारायणाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं 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 वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।